और अब नजर टॉप 25 पर। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 10 फरवरी से होंगे चुनाव, 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी में 7 चरणों में चुनाव, मणिपुर में 2 चरण में, पंजाब और उत्तराखंड में 1-1 चरण में चुनाव। चुनाव आयुक्त ने ऐलान किया, 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, पदयात्रा पर रोक लगा दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ज्यादातर राज्यों में वैक्सीनेशन की स्थिति बेहतर है। गोवा में 95% आबादी को वैक्सीनेट किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने मेयर के पद में कब्जा किया है। बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर की सलाह पर खुद को किया आइसोलेट, ट्वीट कर दी जानकारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,41,986 नए केस सामने आए। एक दिन में 285 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,335 नए मामले सामने आए। एक दिन में 9 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई पास के साथ बाहर निकलने की अनुमति। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 3,748 मामले सामने आए। एक मरीज की मौत। एक दिन में 882 मरीज रिकवर। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामले 513। फरीदाबाद में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का कवच मुहैया कराया गया है। इसके लिए वैक्सीनेट करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस कड़ी में स्कूलों में बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। फरीदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता मिली, जहां डॉक्टर्स ने मात्र 3 घंटे के भीतर एक महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गुहला चीका हल्के को कई बड़ी विकासात्मक सौगात दिए हैं। विधायक ईश्वर सिंह ने अपने निवास पर खुशी जाहिर की। नारायणगढ़ पहुंचे सांसद रतनलाल कटारिया ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर घटना की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस के शिखर स्तर की लीडरशिप ने पंजाब के मुख्यमंत्री के माध्यम से यह जघन्य अपराध कराया। भिवानी में 2 दिन तक लगातार आई बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। किसानों ने इस बारिश को बारिश न कहकर आसमान से सोना बरसने की बात कही। करनाल में यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर बीकेयू ने डीडीए कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी को देखते हुए किसानों ने खाद विक्रेताओं और कृषि अधिकारियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बारिश का दौर जारी और इसी वजह से दिल्ली की सड़कें सुबह से ही जलमग्न हो रही हैं। गुरुग्राम में देर रात से लगातार हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। दिल्ली में तेज बारिश के बाद वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी से सुधर गई है, मध्यम हो गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 दर्ज किया गया। सोनीपत में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही की जगह तीसरे बार धंसा फ्लाईओवर। बारिश के बाद फ्लाईओवर के गड्ढे में ट्रक फंसा। रतिया के सुखनपुर गांव में बरसात के चलते एक मकान की छत गिर गई। इस दौरान एक छोटे बच्चे को मामूली चोट आई। बल्लभगढ़ में शुक्रवार रात से हो रही बरसात ने जहां ठंड बढ़ा दी, वहीं प्रदूषण भी कम हुआ है। किसानों के लिए बरसात काफी राहत भरी। फतेहाबाद स्टेट हाईवे अलीपुर बरोटा एक बस अड्डे के अज्ञात वाहन से टक्कर में 2 युवकों की मौत हुई है। दोनों युवक फतेहाबाद में रतिया एक्टिवा पर सवार होकर आए थे। रतिया में नए बस अड्डे के सामने स्वीट हाउस के गोदाम में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी। इस दौरान फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ प्रभावित।